ये बोलना नहीं है, थोड़ा सा अंदर ये जो रेड कपड़ा है ना, यहाँ मूवमेंट ऐसे धीरे धीरे उठ रहा है, ऐसे ऐसे उठ बैठ रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसी और सिंगल नहीं है, डबल है, डबल है, वहीं पर। एक काम करो, राजकुमार है सुरेख का बाहर निकाला इसे पहले। ये प्लास्टिक बोरी निकली बाहर करिए, सब बंधन बाहर करिए, आराम से दवाई। चलिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, सब हटाना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। ये बोलना नहीं है, थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त होती हुई और हम उस सांप के पास पहुंच चुके हैं। घर में एक डर और भय का माहौल बना हुआ है, ये भैया ले लीजिए। तो दोस्तों, हर जगह जो है खेतों, फसलों और हर चीज़ों की सफाई हो चुकी है, फसल हो चुकी है, खेत खलिहान खाली हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, इनके छिपने की फिराक जो बाहर की थी वो समाप्त हो चुके हैं। इतना आप लोग हल्ला करते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए। तो दोस्तों, अब इसे कहीं भी छिपने की व्यवस्था नहीं है, इसी को हमारे गाँव में, हमारे भारत में अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों। इसको यहाँ पर इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इसी को नाग, इसी को फेटार, गेहूं के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जब तक ये दबते नहीं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होता, तब तक ये किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। अच्छा भैया, यहाँ ये कब से बैठा हुआ था? सुबह से, सुबह। हाँ, मोबाइल थोड़ा बंद रखा। अब चलिए इसे निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ बताया गया कि दो दो सांप थे, दोस्तों इसके काटने के बाद गांव में इतना बड़ा अंधविश्वास फैला है कि लोग जाते हैं जड़ी बूटी झाड़ फूक दवा पीने पिलाने के चक्कर में, जहां पर उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। गांव का नाम क्या है पूरा बता दें? विलेज डाही, डाही पोस्ट डाही। थाना कौन सा है? आसपुर देवसरा। अच्छा, चलिए दोस्तों इसे हम बाहर निकालते हैं। भैया थोड़ा आप लोग बाहर हो जाओ। अरे है ना, अरे क्या मोटा। चलो भाई चलो, एक ही मिला ना अभी, तो एक ही मिला। चलो खुदाई लेकिन जो आप वीडियो भेजा था ना, उसमें दो था। सारा सामान निकलवा देंगे तीसरे। दोस्तों गर्मी के महीने में ये सांप ज़्यादा निकलते हैं, घरों में साफ सफाई रखिए। अगर हादसा होता है, कभी ये बाइट करता है, तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं, जहरीला सांप है ये, वेनमस। इसके काटने के बाद 40 से 50 मिनट का टाइम होता है इंसानों के पास। अगर दोस्तों सही टाइम पर एंटी वेनम नहीं मिलेगा तो प्राण बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसे पैक करते हैं दोस्तों। इसके पास 20% का दिमाग भी होता है। दिमाग ये होता है दोस्तों, जैसे ही अंधेरा पाता है, सीधे आराम से अंदर जा कर के सेफ बैठ जाता है। रात के अंधेरे में निकलता है, इसका पसंदीदा भोजन चूहा है, और जैसे चूहा नहीं पाता है तो कभी कभी मेढक भी ये खा लेता है बारिश के महीने में। और ये दोस्तों ऐसा सांप है, सांप से भी अपना काम चलाता है, छोटे मोटे सांपों को भी अपना पेट भरने के लिए खा लेता है। चलिए इसको पैक करते हैं, दूसरा भी निकालता है, है कि नहीं? इसको एक साइड ही हम, या थोड़ा आप लोग दूर रखिए। चलिए भैया, एक लोग इसको थोड़ा गुलाई कर दीजिए, यहाँ बिल है इसके नीचे, यही इतना थोड़ा गोड़ दीजिए बढ़िया से। तो
उसके ये तो पतला है यार। पतला नहीं है, पतला नहीं है। नहीं नहीं ये पतला है, उससे पतला। अरे वो खींचने में लग रहा है, कवर नहीं कर दिया होगा। इसको हटाए क्या भैया? राम राम। देख सकते हैं अभी ये निकल चुका है, दूसरा सांप है जिसको दोस्तों हमारे गांव में से नागिन का नाम दिया जाता है, लोग इसको नागिन कहते हैं। जब तक दोस्तों इसको साथ छेड़छाड़ नहीं होता तब तक ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। देख लीजिए दोनों एक साथ थे, नर और मादा के रूप में। चलिए इसको भी पैक करते हैं। चलिए दोस्तों बड़ी बात यह है कि इनके जो मीटिंग के दौर है वो अप्रैल और मई के महीने में इनके मीटिंग के दौर होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये जोड़े में ही दिखते हैं हमारे आपके घरों में। जहाँ पर दोस्तों इंसान होते हैं, इंसानों का रहन सहन होता है, वहीं पर इस प्रकार के सांप भी होते हैं। और उसका एक कारण यह है कि हर जगह दोस्तों जंगलों की कटान होती चली जा रही है और आप सोचिए कि ये बेचारे कहाँ रहेंगे। तो फसलों की कटान होने के साथ साथ पूरा मैदान खाली हो रहा है, तो ये हमारे आपके घरों में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सावधान हो जाइए, शाम के समय ये ज़्यादा निकलते हैं और हाथों में टार्च रखिए। हम पैक करते भैया दीजिए बाइक। दोस्तों ये तो देख करके ऐसा लगता है जैसे काफ़ी खाया पिया कर। ये दोस्तों काफ़ी खाया पिया घर से था और ये ज़्यादा है, थोड़ा दुबली पतली। बड़ी बात एक ये होती है दोस्तों कि लोग इसको गांव में अगर दुबली पतली जैसे ही देखते हैं बोलते हैं ये नागिन है और वो नाग है। उसका कारण ये किया है, लोगों को ये लगता है जो मोटा होता है वो नाग होता है और जो पतली होती है वो नागिन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए ये दोस्तों आप देख लीजिए, दोनों बड़े ही शर्मीले हैं देखने में। दोस्तों तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बेचारे क्यूट लगते हैं लेकिन होते बहुत ही खतरनाक हैं। वैसे इनके काटने के बाद कुछ नहीं होता, बस इंसान मर जाएगा सही टाइम पे, जैसे इलाज नहीं हो पाया तो। दोस्तों चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है, दोए दुख दिन है दुख होता है और सुख दिन है सुख होए। अगर ये नुकसान नहीं पहुंचाया है तो हम भी इसे नुकसान ना पहुंचाएं, है ना सर? चलिए एक मिनट आ रहे हैं वो हमारे पंडित जी, जरा इनको दोस्तों ये हो गए नाग और नागिन गांव का। चलिए तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बिजवानों को बचाते हुए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। लेकिन उससे पहले आपका दोस्तों ये फर्ज है, इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिएगा, अपने लोगों को जागरूक कीजिए, बचाइए। जब भी ऐसा सांप काटे तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो दोस्तों प्राण बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे भारत में बहुत सा बड़ा एक अंधविश्वास है जिसे बीस खोपड़ा में बड़ा जहर होता है, सर फट जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीस खोपड़ा में जहर नहीं होता है। तो थैंक यू। जिसके यहाँ सांप निकला था जो फ़ोन किए थे, कहाँ गए वो? सर एक बार आप यहाँ अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम अर्पित पांडे है, डाही पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। कैसे पता चला कि हम सांप पकड़ते हैं? मैं वीडियो आपका देखता था। कब से देखते हैं वीडियो? एक डेढ़ साल हो गया। चलिए थैंक यू सभी को, भैया इसको रख दीजिए।